दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होने में अब से मात्र कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। आपको बता दें कि इस मुकाबले के शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। पहले टेस्ट मुकाबले में बुरी तरह से हार का सामना करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में पुराने धुरंधर खिलाड़ियों की एंट्री कराई है और फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के शुरू होने से एक दिन पहले ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव कर दिए हैं और कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री कराई है और कौन कौन से फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से दूसरे टेस्ट मुकाबले में बाहर का रास्ता दिखाया है। और दोस्तों, यह मुकाबला कब, कितने बजे और कहाँ खेला जाएगा, दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर से खेला गया था। आपको बता दें कि इस मुकाबले को टीम इंडिया पूरे 5 दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाई थी और यह मुकाबला 3 दिनों में ही समाप्त हो गया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने बड़े ही शानदार तरीके से जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक खेला जाएगा और ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1:30 बजे खेला जाएगा। दोस्तों, अगर इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में बात करें और टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की बात करें तो टॉप ऑर्डर में यहां पर ओपनिंग जोड़ी में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के साथ में बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम के काफी दमदार बल्लेबाज हैं और टीम इंडिया के लिए शानदार शुरुआत दे सकते हैं। दोस्तों, पिछले टेस्ट मुकाबले में यानी कि पहले टेस्ट मुकाबले की फर्स्ट इनिंग में टीम इंडिया के शानदार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 17 रन बनाए थे। वहीं पर दोस्तों, रोहित शर्मा ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए थे, जिसमें मात्र एक चौका लगाया था। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले की सेकंड इनिंग में यशस्वी जायसवाल ने 18 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 5 रन बनाए थे और कप्तान रोहित शर्मा 8 गेंदें खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन दोस्तों, अब अगले मुकाबले में टीम इंडिया के लिए ये दोनों ही खिलाड़ी शानदार ओपनिंग करते हुए एक बेहतरीन शुरुआत देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। दोस्तों, अगर दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए तीसरे नंबर के बल्लेबाज की बात करें तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर युवा बल्लेबाज सुमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर सुमन गिल खराब प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि सुमन गिल ने 12 गेंद खेलकर मात्र 2 रन बनाए थे और जिसमें एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाई थी। वहीं पर दोस्तों, सेकंड इनिंग में सुमन गिल ने 37 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 26 रन बनाए थे और 6 चौके लगाए थे। लेकिन दोस्तों, इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सुमन गिल को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से दूसरे टेस्ट मुकाबले में बाहर का रास्ता दिखा दिया है और सुमन गिल की जगह पर यहां पर अजिंक्य रहाणे की वापसी होने वाली है। अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम के काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं और टेस्ट फॉर्मेट में काफी दमदार बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए दोस्तों अजिंक्य रहाणे की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी होने वाली है। और अगर बात करें चौथे नंबर की तो चौथे नंबर पर टीम इंडिया की रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली ने पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के लिए चौथे नंबर पर खेलते हुए काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन किया था। यहाँ पर विराट कोहली ने पहले टेस्ट मुकाबले की फर्स्ट इनिंग में 64 गेंदों का सामना करते हुए 38 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 5 चौके लगाए थे। वहीं पर विराट कोहली ने इस मुकाबले की सेकंड इनिंग में 82 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 76 रनों की शानदार पारी खेली थी और 12 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था। इसलिए दोस्तों, विराट कोहली एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात करें पांचवें नंबर की तो पांचवें नंबर पर यहां पर एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पांचवें नंबर
पर अभी तक पहले टेस्ट मुकाबले में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेल रहे थे। यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने पहले टेस्ट मुकाबले की फर्स्ट इनिंग में 50 गेंदों का सामना करते हुए 31 रन बनाए थे, जिसमें 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया था। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले की सेकेंड इनिंग में अय्यर ने 12 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 6 रन ही बना पाए थे और 1 चौका लगाकर जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अय्यर के इस खराब फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर एक और बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। यहां पर श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से दूसरे टेस्ट मुकाबले में बाहर का रास्ता दिखाया है और अय्यर की जगह पर यहां पर टेस्ट फॉर्मेट के काफी दमदार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की वापसी होने वाली है। आपको बता दें कि पुजारा टीम इंडिया के काफी खतरनाक खिलाड़ी हैं और टेस्ट फॉर्मेट में काफी दमदार प्रदर्शन करते हैं, इसलिए दोस्तों चेतेश्वर पुजारा की दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी हो गई है। और अगर 6वें नंबर की बात करें तो 6वें नंबर पर यहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। केएल राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले की फर्स्ट इनिंग में काफी दमदार प्रदर्शन किया था। यहां पर राहुल ने 137 गेंदों का सामना करते हुए शत की पारी खेलते हुए 101 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 14 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे और 73 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ में रन बनाए थे। वहीं पर दोस्तों सेकेंड इनिंग में केएल राहुल 24 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 4 रन ही बना पाए थे और 1 चौका लगाकर आउट हो गए थे। और अगर 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर एक बार फिर से अश्विन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई देने वाले हैं। रविचंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट मुकाबले की फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी से 11 गेंद खेलकर 8 रन बनाए थे और 2 चौके लगाए थे। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले में सेकंड इनिंग में रविचंद्रन अश्विन ने 1 गेंद खेलकर 1 भी रन नहीं बना पाए थे। अश्विन की गेंदबाजी की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ने 19 ओवर फेंककर 6 मैदान ओवर फेंके थे, जिसमें 41 रन दिए थे और 2.16 की शानदार इकोनॉमी से रन दिए थे। और अगर 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पर यहां पर एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। शार्दुल ठाकुर ने पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से फर्स्ट इनिंग में 33 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन बनाए थे और 3 चौके लगाए थे। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले की सेकंड इनिंग में ठाकुर ने 8 गेंद खेलकर मात्र 2 रन ही बना पाए थे और जल्दी से आउट हो गए थे। और अगर ठाकुर की गेंदबाजी की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने 19 ओवर फेंककर 2 मैदान ओवर फेंके थे, जिसमें 101 रन दिए थे और कुछ ज्यादा महंगे साबित हो गए थे और मात्र 1 विकेट ही चटका पाए थे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर को एक बार फिर से दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलने का मौका दिया है। और दोस्तों अगर यहाँ पर 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए तीनों ही फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट मुकाबले में 26.4 ओवर फेंककर 5 मैदान ओवर फेंके थे और 69 रन दिए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि 4 विकेट चटकाए थे और 2.59 की शानदार इकोनॉमी से रन दिए थे, इसलिए दोस्तों जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों अगर यहां पर 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज एक बार फिर से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पिछले टेस्ट मुकाबले में यानी कि पहले टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने 24 ओवर फेंककर 1 मैदान ओवर फेंका था, जिसमें 91 रन दिए थे और 2 विकेट चटकाए थे और 3.79 की इकोनॉमी से रन दिए थे। दोस्तों मोहम्मद सिराज भी टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के काफी गजब के गेंदबाज हैं, इसलिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को एक बार फिर से दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलने का मौका दिया है। और दोस्तों अगर यहां पर 11वें नंबर की बात करें तो 11वें नंबर पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले टेस्ट मुकाबले में 11वें नंबर पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ने बेजोड़ रन लुटाए थे। आपको बता दें कि कृष्णा ने पहले टेस्ट मुकाबले में 20 ओवर फेंककर 2 मैदान ओवर फेंके थे और 93 रन दिए थे और मात्र 1 विकेट चटकाया था और 4.65 की इकोनॉमी से रन लुटाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में लगातार रन लुटा रहे हैं, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से बाहर करके यहां पर मुकेश कुमार की वापसी कराई है। मुकेश कुमार की दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी हो गई है और दूसरे टेस्ट मुकाबले में मुकेश कुमार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल हो गए हैं। मुकेश कुमार टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में इस समय काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की वापसी होने के बाद और मुकेश कुमार की वापसी होने के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका में ऐसी कौन सी टीम जीतेगी? आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।